से छोटे से रूप में है आपको संबोधन बता रहे बताया जा रहा है। अच्छी तकनीक है ये एक्चुअली डिजाइन किया है ओटी ऑपरेशन की होती है बट इस ओरल कैंसर ओरल मुंह संबंध ये देख लिया अंदर जा क्या था मैं आज इधर एक कंसोल है अंदर उधर से पिक्चर्स देश विभिन्न जिसके लिए कहते हैं कि टेकिंग हॉस्पिटल टू द पीपल। इस ट्रेन के अंदर सभी तरह की इसलिए यहाँ पर हमेशा उपस्थित होते हैं। इसके लिए जो स्पॉन्सर करता है वो बजाज फाइनेंस लिमिटेड, इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन, इंडियन रेलवे। उसके बाद में आपकी हल्का आ जाओ आगे देखने चाहिए। कृपया मंच पे बनाए आप आइए प्लीज। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि बाड़मेर की जो समस्याएं हैं उससे मैं बहुत अच्छी तरह परिचित हूं और इसके साथ साथ लाइफलाइन एक्सप्रेस किस प्रकार की सेवाएं इस जिले को दे सकती है, इस जिले के लोगों को दे सकती है, उसका अंदाजा मुझे लाइफलाइन एक्सप्रेस के काम से तो नहीं लेकिन एक मिलता जुलता सा काम हमारे स्टेट में होता है जो मोबाइल सर्जिकल यूनिट के नाम से, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने उसका नाम सुना हो। लगभग 50 साल पुरानी एक मोबाइल सर्जिकल यूनिट है, उसमें भी इसी प्रकार का काम होता है। ट्रेन नहीं है लेकिन हमारे डॉक्टर्स की एक पूरी टीम है जो कैंप मोड में काम करती है, जाके टेंट गाड़ते हैं, कैंप लगाते हैं और पूरा 8-10 दिन का उनका कार्यक्रम चलता है। साल भर में ये मोबाइल सर्जिकल यूनिट लगभग 8,000 सर्जरीज करती है प्रदेश में अलग अलग जगहों पर। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि मोबाइल सर्जिकल यूनिट बाड़मेर में पिछले 8-10 साल से कोई कैंप नहीं लगा पाई थी और उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा कि उनको स्थानीय सहयोग की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। उनके साथ जहाँ भी वो कैंप लगाते हैं तो कोई ना कोई एनजीओ साथ में जुड़ता है जो कि पूरी लोकल व्यवस्थाएं अपने स्तर पर कराता है, तब जाके वो कैंप लगा पाते हैं। लाइफलाइन एक्सप्रेस में मुझे जो एक और बात बहुत अच्छी लगी वो ये कि ये लगभग सेल्फ सफिशिएंट है, यानी कि काफ़ी कुछ मैन पावर, काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं ये लोग अपने स्तर पर ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। उसके लिए प्रदेश की तरफ से और कहिएगा और ये भी कहिएगा कि हम उम्मीद रखते हैं कि आप आगे आने वाले समय में केवल बाड़मेर को ही नहीं चुनकर रह जाएंगे, हमारे अन्य कई जिले। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है इनके साथ। हम पिछले 3 साल से CSR में काम कर रहे हैं। बजाज फैमिली का तो परंपरा रही है जमनालाल जी से कि वो समाज के लिए कुछ किए, बच्चों के जो पर्पज है बच्चों के लिए जो भी संस्थाएं काम करती है उनको हम मदद करते हैं। तो ये 3 तरह के बड़े इनिशिएटिव है और एनवायरनमेंट के लिए भी रिसेंटली हमने काम चालू किया है। जो पानी का प्रॉब्लम है उसमें भी बजाज ग्रुप ने अभी बड़ा काम लिया है महाराष्ट्र में, तो वो काम चालू होने वाला था। तो हेल्थ हमारे लिए बहुत बड़ा थीम है CSR का, चीज़ इसमें ये बेसिक प्रॉब्लम है और जो भी लोग कम आयु कम इनकम क्या बोलते हैं लो इनकम फैमिलीज से जो भी लोग आते हैं उनके तरफ जो भी अच्छी से अच्छी सेवाएं उनके पास कैसे पहुंच जाए इसके लिए हम काम करते हैं। तो ऐसे जो इम्पैक्ट इंडिया जैसे जो अन्य सामाजिक संस्थाएं उनके साथ हम मिलके काम करते हैं। सो उसमें हम 2 तरह के काम करते हैं हेल्थ में। एक तो जो हॉस्पिटल्स है जिनको वो एरिया में जो फैसिलिटी नहीं है वो लानी है अगर उनके हॉस्पिटल में और उनके पास अगर टीम है तो उनको हम ग्रांट देते हैं इक्विपमेंट के लिए। और जो लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको जिनके पास पूरा ऐसा धन नहीं है वो ट्रीटमेंट कराने का, उनको हम फाइनेंशियल ट्रीटमेंट के लिए मदद करते हैं। उसमें हम सर्जरी स्पॉन्सर करते हैं और ट्रीटमेंट स्पॉन्सर करते हैं। उसमें जैसे एपिलेप्सी का
ट्रीटमेंट है या फिर जुवेनाइल डायबिटीज़ का, जो बच्चों में डायबिटीज़ होता है उसका मेडिसिन का खर्चा बहुत लंबा चलता है, लाइफ टाइम ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, या फिर क्लेफ्ट है फटे हुए होंठ या तालू का जो ऑपरेशन होता है उसके लिए हम पैसे देते हैं। सो ऐसे अनेक प्रकार के रोग है जिसके लिए हम पैसे देते हैं। तो हेल्थ हमारा बहुत बड़ा इनिशिएटिव है एंड दिस ये बहुत ही अच्छा फिट है हमारे थीम के साथ। तो उसमें हम CSR में ऑलरेडी हेल्थ में बहुत काम कर चुके हैं। सो जैसे हमारे कुछ पार्टनर्स हैं, जैसे स्माइल ट्रेन है जो यहाँ भी पार्टनर है, तो उनके साथ हम लगभग 24,000 ऑपरेशंस का खर्चा उनको फंड कर चुके हैं कि 24,000 बच्चों का सर्जरी हमारे फंड से हो चुका है। या फिर पूना में एक दीनानाथ हॉस्पिटल में एक एपिलेप्सी सेंटर है, पूना में जो भी एपिलेप्सी का सर्जरी का पेशेंट था उनको या फिर दिल्ली जाना पड़ता था या फिर त्रिवेंद्रम जाना पड़ता था, तो ये हॉस्पिटल में पहली बार महाराष्ट्र का पहला कॉम्प्रिहेंसिव केयर सेंटर बना हुआ है एपिलेप्सी पेशेंट्स के लिए, तो वहाँ हम जुड़े हैं। कोंकण में एक चिपरुण करके गांव है छोटा सा, वहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे कार्डियोलॉजी का फैसिलिटी नहीं था। सो बिटवीन पणजी और पनवेल के बीच में कहीं भी कार्डियोलॉजी का फैसिलिटी नहीं था, वहाँ पे हमने कैथ लैब के लिए फंडिंग किया है। तो ये तरह के काम हम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, मतलब ये हमारा बहुत बड़ा फोकस एरिया है। बारमेर इज आर स्टार्टिंग फॉर इम्पैक्ट इंडिया का पार्टनरशिप हमारा बारमेर से चालू हो रहा है, उसके पहले बहुत काम कर चुके हैं। अभी तो हमारे पार्टनरशिप की शुरुआत हुई है, इम्पैक्ट इंडिया के बारे में अनिल जी बताएंगे, वो तो 26 साल से करते आ रहे हैं मेरे ख्याल से, और 50 उनके जैसे 50 ट्रेन्स की ज़रूरत है देश को, तो वो तो बढ़ाते रहेंगे। वी विल बी वेरी हैप्पी टू पार्टनर विद देम इन फ्यूचर ऑल्सो, बट वो उसका पूरा प्रोसेस है, वो अप्रूवल्स रहता है उसके बाद में, बट हम तो जुड़े रहना चाहेंगे। देखिए लाइफलाइन एक्सप्रेस एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है राजस्थान के लिए और स्पेशली बाड़मेर ज़िले के लिए, क्योंकि ये एक फुली इक्विप्ड हॉस्पिटल है इन अ ट्रेन। और जैसा कि आप सबको पता है कि पूरे देश में स्पेशलिस्ट की शॉर्टेज है, स्पेशली सर्जन्स एनेस्थेटिस्ट इनकी काफ़ी कमी है, राजस्थान में भी है, राजस्थान कोई उससे अछूता नहीं है। और ऐसे में इस प्रकार की कोई व्यवस्था वो उस डिस्ट्रिक्ट को बहुत अधिक लाभ दे सकती है जहाँ पर स्पेशलिस्ट की बहुत ज़्यादा कमी है। तो अपने प्रदेश में पहले से भी एक मोबाइल सर्जिकल यूनिट चलती है, लेकिन मोबाइल सर्जिकल यूनिट के साथ एक जो कंस्ट्रेंट है वो ये है कि उनको किसी न किसी लोकल NGO का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए होता है। लाइफलाइन एक्सप्रेस इस मामले में यूनिक है, इनके अपने स्पॉन्सर्स हैं और इनको थोड़े से सहयोग के साथ ये लोग पूरा अपना सेटअप कर लेते हैं। तो उस तरह से मुझे लगता है कि बाड़मेर ज़िले के लिए ये एक बहुत अच्छा अवसर है यहाँ के लोगों के लिए कि इसमें जो भी सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं, जिसमें तरह तरह की सर्जरीज हैं, जनरल सर्जरीज हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज हैं और यहाँ तक कि कैंसर सर्जरीज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या कई इवन मेडिकल कॉलेजेस में भी कई बार उस स्तर के डॉक्टर्स नहीं आ पाते जो जिस स्तर के डॉक्टर्स ये लोग मुंबई और दिल्ली से लेकर आ रहे हैं। तो ये बहुत सराहनीय प्रयास है और ज़िला प्रशासन और मेडिकल विभाग इसमें पूरा सहयोग दे रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि बाड़मेर की जनता के लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। देखिए ट्रॉमा सेंटर्स केवल बाड़मेर में ही नहीं लेकिन लगभग जितने 55-56 ट्रॉमा सेंटर्स हैं प्रदेश में, उसमें से काफ़ी ट्रॉमा सेंटर्स हम पूरी तरह फंक्शनल नहीं कर पाए हैं और उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि एनेस्थेटिस की बहुत भयंकर कमी है। इस बार पहली बार ये प्रयास किया गया कि जितने हमारे PG पास आउट करके आए डॉक्टर्स इन सर्विस कोटा वाले जो कि वापस गवर्नमेंट सिस्टम में आ जाते हैं, प्लस जो नए रिक्रूटमेंट्स हुए उसमें से जो लोग PG किए हुए थे उनको हमने प्राथमिकता के आधार पर फर्स्ट रेफरल यूनिट्स यानी कि जहाँ पर सिजेरियन सेक्शन होते हैं वहाँ लगाया गया और ट्रॉमा सेंटर्स पे लगाया गया। लेकिन अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ ट्रॉमा सेंटर्स पर हमारे पास पूरे एनेस्थेटिस्ट नहीं हैं, पर विभाग इसके लिए पूरा प्रयास कर रहा है। आपको ध्यान में लाना चाहूँगी कि अभी हाल ही में एक नई व्यवस्था हमने शुरू करी है जिसमें जो एक कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स है, ये महाराष्ट्र की एक संस्था है जो कि कई प्रदेशों में PG कोर्सेज कराती है और उसको राजस्थान सरकार ने भी अब अप्रूव कर दिया है और इस साल से लगभग 10 ब्रांचेज में हम PG कोर्सेज और शुरू कर पाएंगे
और इसके अलावा जैसे मैंने पूर्व में भी बताया था कि आगे आने वाले सालों में अगले साल से जब ये सातों मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएंगे तब भी हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आएंगे, तो धीरे धीरे व्यवस्था में सुधार हो रहा है और होगा, पर हाँ कुछ समय की अभी थोड़ी दिक्कत मुझे नज़र आ रही है। आम पब्लिक के लिए मेरा यही संदेश है कि ये बहुत अच्छा अवसर है, तो आप इसके बारे में जितना वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी कर सकते हैं, जितने लोगों को बता सकते हैं उनको बताएं, ताकि जो भी लोग हैं जिनकी इस प्रकार की सर्जरीज होनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें।